नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ आरती। बता दें आपको, धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्व रखता है। दिवाली के त्यौहार से ठीक दो दिन पहले ये पर्व मनाया जाता है और आपको बता दें, अब धनतेरस के उपलक्ष में कुबेर महाराज की विशेष कृपा इन पांच राशियों के ऊपर होने वाली है। जीवन के दो पहलू होते हैं, किसी भी सिक्के की तरह जीवन के भी दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, और इस सुख और दुख का सीधा कनेक्शन होता है ग्रहों की चाल से। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, समय के साथ व्यक्ति के जीवन में काफी तरह के उतार चढ़ाव का उसे सामना करना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार इन उतार चढ़ाव का सीधा कनेक्शन ग्रहों से होता है और जब जब ग्रहों की चाल बदलती है तो इंसान के जीवन में भी काफ़ी बदलाव उसे देखने को मिलते हैं। अगर ग्रहों की चाल ठीक है तो हमें हमारे जीवन में सकारात्मक फल मिलते हैं, अगर वहीं ग्रहों की चाल ठीक नहीं है तो इसके नकारात्मक फल भी हमें ही देखने को मिलते हैं। अब आपको बता दें, धनतेरस से कुछ राशियों का भाग्य खुलने वाला है और अब इनके जीवन में बदलाव आ रहा है और इनकी तकदीर चमकने वाली है। हम बता दें आपको, धनतेरस पर इन राशियों को बड़ा ही लाभ हो रहा है। चलिए बताते हैं आपको इन पांच भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिनमें से पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों का धनतेरस से अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बन सकते हैं, तो वही कानूनी क्षेत्र में जितनी भी बाधाएं आ रही थी वो अब दूर हो जाएंगी, जिससे आपका मन खुश रहने वाला है और समाज में आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं कारोबार में आपको अच्छा फल मिल रहा है, नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि इस क्रम में दूसरी राशि है, वो सिंह राशि है। धनतेरस के बाद आपको संपत्ति से जुड़े मामले में कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। इस राशि वाले लोगों को उन्नति के बहुत से मार्ग प्राप्त हो सकते हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आप लोगों के सफल हो जाएंगे। भागीदारों के सहयोग से आपको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के हैं उनको परीक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहने वाला है। इस क्रम में अगली राशि है वो है कन्या राशि। बता दें आपको, कन्या राशि वाले लोगों के लिए अब धनतेरस के बाद कामकाज में इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। घर में किसी मांगलिक काम का आयोजन हो सकता है। मनपसंद चीजों से आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापार अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, लाभ के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। तो वहीं परिवार और दोस्तों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को अब धनतेरस पर बने इस शुभ योग में थोड़े ही प्रयास में काफी सफल काम हो जाने वाले हैं। बता दें आपको, धनतेरस के बाद आप लोगों को धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, तो वहीं कारोबार में आशा के अनुसार अधिक ही लाभ देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जिससे आपको कई सारे लाभ होने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं अंतिम और पांचवी राशि के बारे में, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में अब मानव आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। किसी विशेष स्थान पर आप लोग जा सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। आने वाले दिनों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तो वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में अब होने वाला है। आपकी आमदनी भी बढ़ते हुए दिख रही है। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन खुशहाल तरीके से आप लोग जीने वाले हैं। साथ ही आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको जीवन में कई
अपार सफलताएं मिलने वाली है। तो ये थी आज की पांच भाग्यशाली राशियां।